हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 इन एन एपी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म 50 है। हमें नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ से हम n निकाल लेंगे। an इज़ 50, nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 50। फर्स्ट टर्म 5, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3 इज इक्वल्स टू 50। 5 3 इंटू 1 3 इंटू एन 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 50। 5 माइनस 3 2, 2 को उधर भेज दीजिए आप। 3n, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3n इक्वल्स टू 50 माइनस 2 दैट इज़ 48। तो n इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 दैट इज़ 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो आपको तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a प्लस ए एन। तो यहाँ पे हमें पता है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। s16 निकालना है हमें, तो 16 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 50 है। 2 से 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये 8 इंटू 55। 55 इंटू 8 दैट इज़ 440। फर्स्ट टर्म 7 है, a13 30th टर्म 35 है, d और s13 हमें निकालना है। तो इसका यूज़ करके हम d निकाल लेंगे पहले। a13 35 है, a13 इज़ 35। a13 मीन्स a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a7 गिवन है, 7 प्लस 12d is 35. तो 12d equals to 35 minus 7, d equals to 35 minus 7 28, 28 upon 12. 4 से ये 7 टाइम में कैंसिल, 4 से ये 3 टाइम में कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस 7 अपॉन 3 आया। S13 मीन्स 13 अपॉन 2। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और 13 टर्म पता है, हम लगाएंगे फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले 7 प्लस a13 35 है, ठीक है। सेम चीज़ लगाया है n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 13 अपॉन 2, 35 प्लस 7 42, 2 से ये 21 टाइम में कैंसिल, 21 इंटू 13 इक्वल्स टू 273। थर्ड पार्ट a12 37 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स हमें निकालना है। a12 ये मतलब ये 12 टर्म है, a12 इज़ 37, ठीक है। तो a12 मीन्स क्या, a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। d हमें पता है 3 इज इक्वल टू 37। तो a प्लस 33 इक्वल्स टू 37, a इक्वल्स टू 37 माइनस 33 दैट इज़ 4। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी है, हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा एस एन अपॉन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें 12 टर्म भी पता है, हम ये लगाएंगे s12 12 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म 4 है और 12th टर्म 37 है। तो 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल, 6 इंटू 37 प्लस 4 41, ये क्या हो जाएगा 246। फोर्थ पार्ट a3 गिवन है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स है 125, हमें कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म निकालना है। a3 15 है, a3 15 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 गिवन है, इसको आप एज इट रहने दीजिए। s10 गिवन है, तो s10 का मतलब क्या हुआ 10 अपॉन 2 n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू d, ये हमें गिवन है 125, ठीक है। 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, कर दीजिए। तो 5 2a + 9d = 125। इस 5 को जाकर उधर डिवाइड कर दीजिए आप। तो 2a + 9d = 125/5। 5 से ये 25 टाइम में कैंसिल हो गया। तो 2a + 9d = 25। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। आप पूछेंगे फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट निकाल। अब देखिए यहाँ पे 2a + 9d है, तो मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2a + 4d = 30। इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, a और d का, तो दोनों को सॉल्व करके हम a और d निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 2a + 4d = 30। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 9d - 4d 5d, 25 - 30 -5, तो d = -5/5 -1। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इस d के वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में पुट कर लो आप, या सेकंड में पुट कर लो आप, निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इस d के वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट है 2a + 4d, तो जहाँ d है वहाँ पे -1 डाल देंगे, = 30। तो 2a 4 × -1 - 4, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 30 + 4, a = 34/2, दैट इज 17। तो फर्स्ट टर्म 17 है। कॉमन डिफरेंस -1 है। हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस जो निकल चुका है, और a10 मीन्स a + 9d। a इज 17 + 9, d इज -1, 17 ये क्या हो जाएगा -9, दैट इज a। तो 10th टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -1 है। 5th पार्ट, कॉमन डिफरेंस 5 है, सम ऑफ 9 टर्म 75 है। फर्स्ट टर्म और 9 टर्म हमें निकालना है। तो सम ऑफ 9 टर्म 75 लिखिए, सम ऑफ 9 75। इसका मतलब हमें n भी गिवन है, n 9 है, सम ऑफ 9 टर्म। तो सम ऑफ 9 टर्म क्या होगा, 9/2, 2a + 9 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि 5 है, ये हमें गिवन है 75। ठीक है, 9/2, 2a + 9 - 1 8, 8 × 5 40 = 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 2a + 40 = 2 × 75। इस 9 को डिवाइड कर दीजिए अब। 2a + 40 = 2 × 75/9। ठीक है, 3 से 3 टाइम में, 3 से ये 25 टाइम में। तो 50/2a + 40 = 50/3। इस 40 को उधर भेज दीजिए। 2a = 50/3 - 40, एल्शियम 3 आएगा, यहाँ 50 आ गया और यहाँ पे 120 हो गया। तो 50 - 120 - 70/3, इस 2 को डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो 2 को ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ गया -35/3। अब हमें निकालना है 9th टर्म। a9 होता है, a9 मीन्स a + 8d। a है -35/3 + 8, d है 5 मीन्स 40, एल्शियम 3 आया। तो -35 + 120, तो ये क्या हो जाएगा 85/3 तो 9th टर्म 85/3 है, फर्स्ट टर्म -35/3 है। 6th पार्ट, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, सम ऑफ n टर्म्स 90 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म हमें निकालना है। Sn is 90, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो कि 90 गिवन है, a और d हमें गिवन है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n अपॉन 2, a 2 है और d 8 है, 90, n अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 8n माइनस 8 is equals to 90. 8n minus 4 इस 2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 90 हो गया ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8n इंटू n, 8n स्क्वायर माइनस 4n और ये 180 है, 90 इंटू 2 इसको इधर ले आइए, माइनस 180 इक्वल टू 0. इस पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए तो ताकि इजी हो जाएगी, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से ये 45 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 इधर अगर जीरो हो जाएगा तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे. रूल यही है कि कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90, इसके दो फैक्टर निकालने हैं हमें, ऐसे दो फैक्टर जिसको सम करने से माइनस 1 आए, मल्टीप्लाई करने से माइनस 90 आए, तो निकालिए 2 से 45 टाइम में 3, 15, 3, 5, 5, 1, दो ही चाहिए हमें, यहाँ पे 4 फैक्टर आए, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 9 1 होता है, हमें माइनस 1 चाहिए, इसका मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर है माइनस 10 उसमें लगाना पड़ेगा हमें माइनस साइन. अब देखिए माइनस 10 प्लस 9 माइनस एन हो जाएगा, माइनस 10 इंटू एन माइनस 90, तो जहाँ पे माइनस एन है वहाँ पे लिखेंगे माइनस 10n प्लस 9n, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0. यहाँ से 2n कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस 5 और यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 माइनस 10n प्लस 9n है ये, ठीक है, 9 कॉमन निकालेंगे, प्लस 9 कॉमन निकालेंगे हम, n माइनस 5 होगा, n माइनस 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस 5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0. तो पहले हम इसको ज़ीरो करते हैं, इसी को ज़ीरो करते हैं पहले, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल्स टू माइनस 9, n इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2. तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव होते हैं? नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल. अब ये जीरो होगा, n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ गई 5, n निकल गया, हमें an निकालना है, इसका मतलब हमें a5 निकालना है, a5 a प्लस 4d, a है 2 और d है 8, 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 2 34, तो ये 34 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और फिफ्थ टर्म 34 है. सेवेंथ पार्ट, फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म 62, सम ऑफ n टर्म्स 210, हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है, sn इज 210, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज़ 210, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म 8 है कॉमन और ये nth टर्म लास्ट टर्म 62 है, दैट इज़ 210, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 62 प्लस 8 70, 70n इक्वल्स टू 210 इंटू 2, n इक्वल्स टू 210 इंटू 2 अपॉन 70, 70 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3 इंटू 2 6, तो नंबर ऑफ टर्म 6 है, जब नंबर ऑफ टर्म 6 है तो हम d निकाल सकते हैं, देखिए an 62 मतलब a6, an 62 है और n हमने 6 निकाला, इसका मतलब हमें गिवन है कि a6 जो है वो 62 है, a6 मतलब a प्लस 5d इज 62. फर्स्ट टर्म गिवन है 8, तो लिख लीजिए यहाँ पे 8 प्लस 5d इक्वल्स टू 62, तो 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8, तो 5d इक्वल्स टू 54, 62 माइनस 8, तो d इक्वल्स टू 54/5. तो d की वैल्यू 54/5 होगी, कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे. नेक्स्ट पार्ट, nth टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और सम ऑफ n टर्म्स -14 है. हमें नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म निकालना है. an इज़ 4, an का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी, डी 2 है, रख दीजिए यहाँ पे 4. तो a + 2n - 2 इक्वल्स टू 4, इसको उधर भेज दीजिए. a + 2n = 4 + 2 दैट इज 6. ठीक है, sn -14 है. sn मीन्स n/2 2a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -14. इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे n है 2, 2a + n - 1 इंटू डी. ठीक है, a तो हमें पता नहीं है तो 2a रहने दीजिए इसे. n - 1, d हमें गिवन है 2, -14 × 2 -28, 2a + 2n - 2 इक्वल्स टू -28. अब हम लोग यहाँ से a की वैल्यू को निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो a = 6 - 2n. ठीक है, अब यहाँ पे a के जगह पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा. फिर ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा. 2a तो 2 × 6 - 2n प्लस 2n - 2 इज इक्वल्स टू -28. 12 - 4n + 2n - 2 = -28. 12 - 2 10, -4n + 2n - 2n इज इक्वल्स टू -28. मल्टीप्लाई कीजिए, 10n - 2n² इक्वल्स टू -28. इन सबको उधर लेते जाइए आप, तो 2n² - 10n - 28 इक्वल टू 0. 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए. तो n² - 5n - 14 इक्वल टू 0. 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, n² - 5n - 14 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. मैं मिडिल टर्म्स क्रिएट कर रहा हूँ. n² हम लिखेंगे यहाँ पे, हम -5n को -7n + 2n - 14 इक्वल टू 0. n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए. n - 7 यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए. n - 7 इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन है. n - 7 n + 2 इक्वल टू 0. ठीक है, या तो ये 0 ये 0. ठीक है, तो ये जो 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव आ जाएगा, तो ये 0 होगा. तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ. पहले हम इसे 0 कर रहे हैं. n + 2 इक्वल टू 0, n = -2. तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता. डिस्कार्ड हो गया, ये लीजिए डिस्कार्ड. n - 7 इक्वल टू 0, n = 7. तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो गया. हमें a निकालना था, a था a = 6 - 2n. 6 - 2 × 7 दैट इज 6 - 14 दैट इज़ -8. तो इस केस में a जो है वो -8 है. इसमें सिर्फ ट्रिक यही था कि जो फर्स्ट था nth टर्म वाला इक्वेशन, उसमें से a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था sn वाले फार्मूले में. पार्ट फर्स्ट टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, s 192 है. फाइंड d. अब देखिए s 192 का क्या मतलब हुआ. यहाँ पे n 8 है, इसका मतलब ये सम ऑफ 8 टर्म्स हैं. तो सम ऑफ 8 टर्म इज़ 192. तो फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2. वही लगाएंगे यहाँ पे हम. s8 इक्वल्स टू 8/2 2a + 8 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192. ये 4 टाइम में कैंसिल, 4 2a a 3 है, 8 - 1 7 d इक्वल्स टू 192. 6 + 7d इक्वल्स टू 192. इस 4 को डिवाइड कर दीजिए, 6 + 7D = 192/4, 4 × 4 = 16, 48, तो 6 + 7D = 48। 6 को ट्रांसफ़र कीजिए तो 48 - 6 दैट इज़ 42, तो D = 42/7 दैट इज़ 6, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में होगा 6। 10th पार्ट, लास्ट टर्म 28 है, सम 144 है, n 9 है, सम 144 है और n 9 है, इसका मतलब है ये सम ऑफ 9 टर्म्स 144 है, ठीक है। तो हम लिख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ 9 टर्म इज़ 144। L 28 है, लास्ट टर्म 28 है, मतलब nth टर्म गिवन है हमें, an इज़ 28, तो यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। S9 है हमारे पास, तो 9/2 फर्स्ट टर्म मालूम नहीं, लास्ट टर्म 28, SN 144, ठीक है, A + 28, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 288 हो जाएगा, = 9 A + 28, इस 9 को भी डिवाइड कर दीजिए तो A + 28 = 288/9, 9 × 3 = 27, 32, इसको उधर भेज दीजिए, A = 32 - 28 दैट इज़ 4, फर्स्ट टर्म 4 है और हमें यही निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन 3 के मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।